Thank you so much. IS 41 is for the accounting of biological assets and for agricultural produce. Till point of harvest, ये कुछ देखेंगे हम. What is harvest? What is biological asset? What is agricultural produce? What is harvest? Harvest के बाद का जो produce रहेगा उसका accounting कहां पे होगा, ये चीजें हमें देखनी है. इसके ऊपर कितने सवाल आज तक पूछे गए हैं quickly देखते हैं. दिसंबर 2022 में 12 मार्क्स, जून 2021 10 मार्क्स, जून 2020 13 मार्क्स, 2019 8 मार्क्स. लगभग एवरी ईयर 19 20 21 22 23 में कुछ 23 में कुछ नहीं है तो हो सकता है 24 में आ जाए. सो जून इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ 24. तो आप एग्रीकल्चर को ये क्वेश्चंस बिना देखे मत एग्जाम में जाइए. ये चारों क्वेश्चंस कीजिए. दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो ACCA इसके ऊपर सवाल पूछती है. जैसे मैंने कहा कि लगभग हर साल है. अब ये कुछ टॉपिक्स देखिए, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स है छोटे भी बट लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसके ऊपर सवाल पूछा है. 6 to 8 मार्क्स अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4, 5, 6, 8 मार्क्स, तो 6 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज पूछा ही जाता है. ईपीएस अगर देखा जाए जो आज ही करना है हमें, तो वो देखिए 25 मार्क्स. एक्चुअली 25 मार्क्स नहीं है इसमें, इसमें एक सब क्वेश्चन भी है दूसरा, तो समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट उसका एडजस्टमेंट है. वो अर्निंग्स में एडजस्टमेंट करने के बाद ईपीएस का सवाल है, लगभग 10 से 15 मार्क का सवाल. तो ये 25 मार्क्स नहीं है, दिस इज अबाउट 10 टू 15 मार्क्स. गलती से ये 25 लिखा है, उसमें सब क्वेश्चन था. तो ये 10 से 15 मार्क का सवाल है. दिसंबर 2022 3 मार्क्स, यहां पे बीपीएस कैलकुलेट करना था. 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 21, 19, 18. दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी फेवरेट. रिलेटेड पार्टी इफ यू सी, हम उसको कवर नहीं कर रहे रिविजन बैच में, वो प्योरली थियोरिटिकल टॉपिक है. रिलेटेड पार्टी में एंटिटी का रिलेशन चेक किया जाता है विथ एन इंडिविजुअल एंड विथ एंटिटी, अदर एंटिटी. हाउ रिपोर्टिंग एंटिटी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड रिलेटेड टू अदर एंटिटी. तो उसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स दिए हैं, 3 टाइप्स के अदर इंडिविजुअल्स. ये पैरा 9 है इसका, 9A1 and 9B. सो 9A1, 2, 3 रिलेशनशिप्स एंड दिस इज पैरा 9B ऑफ दिस इंडेस्ट IS 24. तो यहां से इंडिविजुअल से रिलेटेड एंड अदर एंटिटी से रिलेटेड, हाउ दैट एंटिटी इज रिलेटेड, ये बात की गई है. ये पैरा भी छोड़ दीजिए, ये शायद गलत हो. तो ये जो है ये आपके 3 यहां पे है और यहां पे 8 ऐसे एंटिटीज है. तो कुल मिला के 11 ऐसे रिलेशनशिप जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके ऊपर क्या किस तरीके के डिस्क्लोजर्स है. अगेन दिस इज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, तो इसलिए एंड प्योरली थ्योरेटिकल. कल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इज आल्सो वाज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड. बस कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ एक क्लैरिफिकेशन, कुछ कैलकुलेशंस. जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखा, इफ यू रिमेंबर अबाउट दैट, पहले तो रिपोर्टिंग सेगमेंट क्या है, फिर उस ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है, उसको रिपोर्टेबल कब बनाना है, उसके 3 थ्रेशोल्ड्स हमने देखे. तो दीज थिंग्स वी सॉ यस्टरडे. इसमें कुछ तो एक कैलकुलेशन थोड़ा सा था या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा था, लेकिन ये डिस्क्लोजर रिलेटेड ही है. ये भी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ही है.
ये भी पर से डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ही है। इसमें से हम रिलेटेड पार्टीज नहीं कर रहे, लेकिन इफ यू सी 14, 16, 16, 17, 20, 23 और मार्क्स भी देखिए, 5 से 7 मार्क्स के बीच में आता ही है ये सवाल। तो बहुत सिंपल सा है, तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है ये आपको देखना है। इससे रिलेटेड एथिकल सवाल भी शायद पूछा जा सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये टॉपिक छोड़ने नहीं है। ये हुआ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये भी, ये 2 साल से पूछा नहीं है, 23 को पूछा नहीं था, तो ये हो सकता है इस साल आज आ ही जाए। तो ये जो टॉपिक हमने किए हैं कल के सेकंड आर्ट में और आज जो करेंगे वो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये देख के रखिए। ये आपके पास, आपको ये सेकंड वॉल्यूम से मिल भी जाएगा, उसमें बस 2023 के शायद अपडेट्स नहीं रहेंगे, तो 2023 वाले अपडेट्स मैंने बस यहां पे इस शीट में किए हैं। अदरवाइज दैट वॉल्यूम 2 से आप उसका अंदाजा निकाल सकते हो कब कब पूछा है। वैसे भी टॉपिक वाइज हमने वो क्वेश्चन बैंक बनाया है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मूविंग बैक टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर भी इस साल यू हैव टू बी केयरफुल, इट माइट बी आस्क्ड। फर्स्ट थिंग, स्कोप, यहां पे क्या क्या कवर होता है। एनी बेरर प्लांट, बेरर प्लांट मतलब क्या, एनी प्लांट विच बेयर्स फ्रूट्स ऑन इट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन इट, लाइक मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्री इज अ इटसेल्फ नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर से, इट्स अ बायोलॉजिकल एसेट, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सैपलिंग से बड़ा ट्री होगा, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड इट विल बी अ फुल्ली ग्रोन ट्री, इट्स अ बायोलॉजिकल एसेट विच विल प्रोड्यूस दी मैंगोज, इट विल गिव दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वो जो है मैंगो ट्री, उसका अकाउंटिंग होता है IS-16 में, यहां नहीं होता। IS-16 में बेरर प्लांट्स आर इंक्लूडेड, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड्स बेरर प्लांट्स, तो वो यहां नहीं आते बायोलॉजिकल एसेट्स में, ठीक है। तो यहां पे लिखा है एक्सक्लूडिंग बेरर प्लांट, तो आता है बायोलॉजिकल एसेट, तो बायोलॉजिकल एसेट क्या है वो देखना है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हमने देखा, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब कटिंग, हार्वेस्ट होता है मतलब क्या होता है, कट होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो कट होता है, दैट इज हार्वेस्ट। टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट मतलब जहां तक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है वहां तक मैं क्या करता हूं, एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड में उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अकाउंटिंग देखता हूं। जब वो कट हो जाता है, जब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाता है, वो स्टॉप किया जाता है, तो उसके बाद जो है वो IS-2 में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो भी वो यहां पे आती, थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे नहीं है। एनी गवर्नमेंट ग्रांट विद रिस्पेक्ट टू दी बायोलॉजिकल एसेट वो यहां पे, इट डज नॉट अप्लाई टू लैंड रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इट डज नॉट अप्लाई टू इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाइक पेटेंट्स। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, ये जाता है IS-2 में जनरली, इन्वेंट्री। व्हीट क्रॉप, जब तक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, फुल्ली ग्रो नहीं होता, तब तक वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रहेगा। जिस दिन वो हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका अकाउंटिंग IS-2 में मूव हो जाएगा। तो ये इसका पॉइंट है, ये लाइफ साइकिल है। कोई भी बायोलॉजिकल एसेट्स यहां से यहां तक, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेट्स से ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहां से यहां तक मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब क्या, वो ग्रो करता है ट्री, एंड यहां पे जाके उसका हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट होता है। ये IS-2 मैंने ऊपर के लिए लिखा था, यहां पे नहीं लिखा था, तो मैं अभी निकाल देता हूं, तो वन कंफ्यूजन हो जाएगा अननेसेसरीली। तो अप टू पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट मैं लिखता हूं, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो यहां तक ये IS-41 रहेगा, इसके बाद जो है IS-2 अप टू सेल, इसका अकाउंटिंग IS-2 में होगा,
सिंपल है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट विल नॉट स्पेंड मच टाइम। बायोलॉजिकल एसेट इज एनी लिविंग प्लांट और एनी एनिमल, लिविंग प्लांट उसमें, लेकिन मैंगो ट्री पर से नहीं आता, वो बेरर प्लांट में जाता है। तो यहां पे बीफ, कैटल, ट्रीज, कौन सी ट्रीज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खुद होने वाली है, ऐसी ट्रीज। टीक वुड, टीक वुड क्या होता है, ग्रो करते हैं टीक वुड, काटते हैं बाद में इन ऑर्डर टू यूज दैट टीक वुड इन वेरियस यू नो फर्नीचर्स और उसका जो भी यूटिलिटी है वहां पे। पोल्ट्री एंड प्लांट्स फॉर हार्वेस्ट, पिग्स एटसेट्रा, दिस इज ऑल अ लिविंग प्लांट और अ लिविंग एनिमल विच इज इट्सेल्फ अ हार्वेस्ट पर से, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज अ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट, मिल्क, वुल, व्हीट एटसेट्रा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, इट इज द मैनेजमेंट। वॉट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, देखिए बायोलॉजिकल एसेट वो एसेट होती है विच इज यूज फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वही हम यहां पर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अंडर IS-41। जैसे कि मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट फॉर इट्स सेल, कन्वर्जन इन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इन एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। तो एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, अगेन दैट बायोलॉजिकल एसेट विल बी यूज फॉर एज अ बीफ, कैटल, ट्रीज, पोल्ट्री एटसेट्रा। इसलिए तो इसका मतलब एनी एनिमल विच इज वो जू में रहते हैं वो एनिमल्स, उसके बारे में, वो एनी टाइप ऑफ एनिमल विच इज केप्ट इन जू इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है ना। वो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं है। एनिमल जू में है, लोग आते हैं उसे देखते हैं जाते हैं, दैट्स इट। ना ही उस बायोलॉजिकल एसेट को, मतलब उस एनिमल्स को सेल के लिए रखा जाता है, ना ही उसका कन्वर्जन होता है एज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनको मीट करके खाया नहीं जाता। एंड ऑल्सो इट इज नॉट यूज फॉर एडिशनल एज अ एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, वो भी नहीं है। तो इसलिए एनी एनिमल्स इन द जू पार्क विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट, उदाहरण में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्राइजेस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन दैट कॉज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बायोलॉजिकल एसेट। सिंपल, इफ काफ है इट इज फुल्ली ग्रोन कैटल बन जाएगा बाद में, बर्ड है वो फुल्ली ग्रोन पोल्ट्री बन जाएगा, सो दैट्स द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट है जो पूरा प्लांट फ्रॉम सैपलिंग टू फुल्ली ग्रोन ट्री हो जाएगा जब उसको काट दिया जाएगा फॉर अ प्रोड्यूस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमने देखे थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। कैटल ब्रीडिंग, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज ग्रोथ, दिस इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम काउ, देन डीजनरेशन एंड देन प्रोक्रिएशन, सो क्रिएशन ऑफ न्यू काव्स, सो दिस इज प्रोक्रिएशन। यहां पे बीफ के लिए उसको कट किया जाता है, सो दैट दिस इज लाइक अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट जो है, ये बायोलॉजिकल एसेट है मेरे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मेरे पास है। शिप, लैम, उससे क्या मिलता है, वुल एंड कैरकसिस। फ्रूट ट्री सैपलिंग से, फ्रूट ट्री से मुझे क्या मिलता है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, आई गेट सैपलिंग्स। शिप से लैम्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस फ्रूट। ट्रीज सैपलिंग्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, एंड इसमें रबर है तो रबर लैटेक्स एटसेट्रा, आई मीन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज का पर्पज एंड प्रोड्यूस अलग अलग हो सकता है, बट दैट ट्री इट्सेल्फ इज अ प्रोड्यूस वहां पे, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन बेरर प्लांट, वो ध्यान में रखना। वो एनी ट्री इफ इट्सेल्फ इज नॉट अ प्रोड्यूस इट विल बिकम अ बेरर प्लांट, ऑलराइट। तो डेयरी कैटल, calves is the recreation or production additional biological asset and milk is the agricultural produce etc.
जब तक ये बायोलॉजिकल एसेट है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट है, तब तक IS-41, उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब बनेगा तो IS-2, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विल रिमेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज PQR जू हैज 50 एनिमल्स, PQR जू हैज 50 एनिमल्स, द एनिमल्स इन द जू डू नॉट हैव एक्टिव ब्रीडिंग एक्टिविटी एंड आर नॉट रेयर फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, हेंस दे विल रिमेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड एंड आर नॉट द बायोलॉजिकल एसेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। रेकग्निशन, इट इज रेकग्नाइज व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये तो नॉर्मल हमारा कंडीशन है एनी एसेट का, जो हमने IS-16 में भी देखा था और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी देखा था। व्हेन देयर इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ इट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब देखिए, यहां पे जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही है, यहां कोई अलग नहीं है बात बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए। इफ यू रिलेट इट टू IS-16, हमने ये देखा था पीपी या एसेट। एसेट कब होता है? When that resource is within your control from which you have probability of future economic benefits, correct? ये हमने देखा था। What is asset? ये उसका definition है। तो उन्होंने लिखा है that biological asset should be in your control. It should be within your control. It is within my control. It is probable that future economic benefits associated that will flow. ये तो normal recognition criteria जो टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दोनों में देखा था, इन्वेंटरी में भी देखा था हमारा। एक तो कोई डेविएशन नहीं है यहां पे, सेम है। लास्ट कंडीशन सिर्फ हमने देखी थी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। डू यू रिमेंबर दिस? पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेंटरी, तीनों में देखा था, चारों में देखा था दैट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब ये तो ठीक ही है, कोई बायोलॉजिकल एसेट परचेस किया, कोई प्लांट परचेस किया है, सैपलिंग्स परचेस की है, कोई सीड्स परचेस की है, तो उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई एनिमल, लेट्स से कैटल, डेयरी कैटल, पोल्ट्री परचेस की है, बर्ड्स, तो उसकी कॉस्ट आएगी, दैट विल बी इट्स कॉस्ट। लेकिन जहां पे एडिशनल प्रोक्रिएशन के द्वारा अगर कोई कैटल काफ को अगर जन्म देता है तो उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? दैट कॉस्ट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो इस सिचुएशन में फेयर वैल्यू पता होना जरूरी है, इसीलिए फेयर वैल्यू इंक्लूड किया है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मेजरमेंट जो है, हमने देखा था पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेंटरी की केस में इट मस्ट बी मेजर्ड एट कॉस्ट। डू यू रिमेंबर दिस? यहां पे कॉस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भले ही मैंने कॉस्ट पे किया है उसके लिए, फिर भी वो कॉस्ट हम मेजर नहीं करते। यहां पे इनिशियल मेजरमेंट होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आएगा IFRS 13। लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियली भी कॉस्ट टू सेल हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसमें से। लेट से कोई कैटल जो है, डेयरी कैटल फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ ऑक्स फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ बुल्स ऑक्स, तो खेत में काम करने के लिए हमने लिए फॉर एग्जाम्पल, तो दैट पेयर अगर हमने कोई बाजार से उसको परचेस किया है तो भी उसकी फेयर वैल्यू होती है, वो ऑक्शन होता है उसमें वो फेयर वैल्यू होती है। वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको परचेस करने के लिए अगर कोई कमीशन दिया है तो वो रिड्यूस करके इनिशियल मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही जाता है। ये जितने भी हमने मेजरमेंट के बेसिस देखे थे उससे अलग बेसिस है ये। इसके पहले जो बेसिस देखे थे या तो कॉस्ट था या तो फेयर वैल्यू था। ये कॉस्ट, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट बोथ एक ही पैरामीटर है दोनों के लिए, कोई अलग अलग पैरामीटर नहीं है। ठीक है, इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? एक्सेप्शनल केसेस है, कॉस्ट
कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसको सब्सिक्वेंटली मेजर किया जाता है, ये लेस इंपेयरमेंट लॉसेस वेयर यू कैन नॉट कैलकुलेट फेयर वैल्यू, बट ये बहुत रेयर है, ऐसे नहीं होगा, फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, इनफैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट? कोई सीड्स है आपके पास, सीड्स यू सो द सीड्स एंड सैपलिंग निकल के आया उसमें से फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे उस सैपलिंग का कॉस्ट पता चलेगा आपको? इट हैज टू बी द फेयर वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इनफैक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, सो इसलिए यहां पे फेयर वैल्यू है। अल्टरनेटिव मेथड इज अलाउड इफ फेयर वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो और वो भी सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट के लिए ही है, जब तक रिलायबल मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू नहीं आता, सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट में ये अवेलेबल है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब्सिक्वेंटली वो कब तक? जब तक आपका फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं होता, वो तो बाद में हो ही जाएगा इनिशियल मेजरमेंट में, तो जनरली ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। वैसे भी एग्रीकल्चरल कंपनीज हमारे यहाँ पे बहुत कम है जिसको इंडेस एप्लीकेबल है, इंडियन सिचुएशन में है, लेकिन जहां है वहां पे ये फॉलो करते हैं, ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना इट्स मोर इजियर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोथ एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू से। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये तो बायोलॉजिकल एसेट के लिए था मेजरमेंट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो रहेगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब अभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये हमने देखा था, यहां तक दिस इज हार्वेस्ट, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड दिस यहां तक ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। यही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट बन जाएगा, दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम्स कॉस्ट फॉर दी इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड हमने यहां पे अभी कवर नहीं किया रिवीजन में, डेफिनेटली इट्स वेरी इजी। तो वहां पे क्या है, सिर्फ कॉस्ट, वो तो कॉस्ट के मेजरमेंट फैक्टर्स हमने देख ली पीपी इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हमें IS-2 में हमने देखा है, उसके एक दो तीन एग्जांपल्स लिए, बट वो बहुत सिंपल है, इसके अलावा उस स्टैंडर्ड में है नहीं कुछ ज्यादा देखा जाए तो। वहां हमने देखा था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम्स कॉस्ट फॉर IS-2, बिकम्स कॉस्ट फॉर IS-2। नाउ इसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सेम है हमारे पास IFRS 13। IFRS 13 कहता है लेवल वन, अगर कोटेड प्राइसेस इन एक्टिव मार्केट है ऑफ द आइडेंटिकल इन्वेंट्री, तो वो लेवल वन वाले दीजिए जहां पे कोटेड है तो, लेकिन कोटेड वाले है नहीं तो मार्केट प्राइसेस ऑफ सिमिलर असेट्स विथ एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस। वीट सी, इसके लिए ना कहीं पे अगर कुछ मार्केट है तो ठीक है, हमारे यहाँ पे कमोडिटी मार्केट हो सकता है, बट वो कमोडिटी मार्केट है वहां से इंडिकेटिव प्राइसेस आती है तो वो फ्लक्चुएट होती रहती है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो हमेशा वही हम कोटेड प्राइसेस लेंगे फॉर वैल्यूएशन, मे बी और मे नॉट बी फिजिबल, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां से उसका प्राइस उठा रहे। नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज, ये जनरली फूड वीट, फूड ग्रेन्स या वीट एक्सेट्रा के लिए नहीं होगा, तो वहां पे लेवल वन लेवल टू चल सकता है, फूड एंड फूड ग्रेन्स और एनी काइंड ऑफ वीट ज्वार एक्सेट्रा, तो वो हमें लेवल वन लेवल टू मिल सकता है। जो लेवल थ्री है वो किसी बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए, कैटल वैटल के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, उस कैटल से आगे कितना मिल्क प्रोड्यूस होने वाला है, कार्कसेस कितने आएंगे, रीजनरेशन कितना होगा, इनफ्लो कितना हुआ, ये सब हम कैलकुलेट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोस कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए, जो खुद बेचे नहीं जाने वाले बट जिसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम बेचेंगे, तो वो लेवल थ्री में आ सकता है। लेवल वन एंड टू में जो खुद बेचे जाएंगे उसका लेवल वन एंड लेवल टू में आएगा। ठीक है,
लेवल टू में सिमिलर एसेट का, जैसे कैटल के लिए कुछ जो खरीदे बेचे जहां पे जाते हैं, तो डेयरी कैटल्स पोल्ट्री, उसका भी एक सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है, इफ नॉट प्राइमरी मार्केट, तो वहां से भी उसके प्राइसेस लिए जा सकते हैं, तो वो भी लेवल टू में आ सकते हैं. नॉट एक आइडेंटिकल एसेट, नॉट दैट एसेट, बट सिमिलर एसेट. ठीक है, जैसे एक साल का काफ अगर आप परचेस करने गए तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, 2 साल का काफ परचेस गए तो कितनी रहेगी. हॉर्सेस, हॉर्सेस का तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो किस तरीके से उसे हम यूज करेंगे. लेकिन हॉर्स फॉर रेसेस, ये अगेन इट इज नॉट फॉर सेल. ठीक है, ये भी ध्यान में रखना. मैं पीछे जाता हूं थोड़ा सा. हॉर्सेस फॉर रेसेस इज नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नॉट फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स. तो जिसका हम कोई बीफ कैटल ट्रीज पोल्ट्री प्लांट एक्सेट्रा ये कुछ बनाने नहीं वाले, तो रेस हॉर्सेस इज अगेन आउट ऑफ द स्कोप. ठीक है, चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी एलोकेटेड बिटवीन चेंज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंस इन फेयर वैल्यू एंड फिजिकल चेंज. ये बताता हूं, यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके ऊपर सवाल आएंगे एग्जामिनेशन में. लेट्स से फेयर वैल्यू ऑफ 1 ईयर ओल्ड काफ इज लेट्स से 1000. सिमिलरली फेयर वैल्यू ऑफ 1 ईयर ओल्ड काफ, ये मैं इसमें लिखता हूं ईयर वन, पहले साल में थी उसकी फेयर वैल्यू 1000, ये ईयर टू में हो गई 1200. अभी मैं हूं ईयर टू में, ईयर टू में इसी वन ईयर इसी काफ की वैल्यू, इसी काफ की, अभी ये 1 ईयर ओल्ड नहीं रहा, ये 2 ईयर ओल्ड हुआ, इसकी प्राइस बनी 2000. इसकी प्राइस कितनी है, 2000. मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ईयर वन, दिस इज ईयर टू. ईयर वन से ईयर टू में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना चेंज है इसमें, 1000 चेंज. एम आई राइट, ये पीएनएल में जाता है स्ट्रेट अवे. कितना चेंज है यहां पे, 2000. एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस. उसका इनिशियल मेजरमेंट था 1000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सेकेंड ईयर का उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 2000. स्टैंडर्ड ने कहा है कि सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन भी हुआ रहेगा शायद कुछ. एम आई राइट, तो उसकी वजह से सेम 1 ईयर ओल्ड काफ का सेकेंड ईयर में फेयर वैल्यू कितना था, 1200. सो जो फेयर वैल्यू चेंज है ये हुआ 200, एंड चेंज इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स ये हुआ 800. ये आपको अलग दिखाना है, एवरीथिंग इज फेयर वैल्यू चेंज, लेकिन एक है फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से जो चेंज हुआ है वैल्यू में. अभी वो ग्रोन अप हुआ है थोड़ा सा, तीसरे साल में चौथे साल में जब वो फुली ग्रोन हो जाएगा तब वो क्या होगा, उसकी पूरी पूरी वैल्यू रहेगी फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू चेंज हमें बाइफरगेट करना है, एक्चुअल फेयर वैल्यू चेंज एंड चेंज ड्यू टू फिजिकल एट्रीब्यूट्स. तो चेंज ड्यू टू फिजिकल एट्रीब्यूट्स 800, एंड फेयर वैल्यू एक्चुअल चेंज इन फेयर वैल्यू इज 200. तो यही आपको मिलेगा इसके पहले वाले जो एग्जामिनेशंस है, तो उसमें कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे. बायोलॉजिकल एसेट का मीनिंग क्या है वो पता रहना चाहिए आपको, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है. ये 3 से 4 डेफिनेशंस जो दी है वो डेफिनेशंस आप कहीं पे लिख के रखिए, एग्जाम के एक दिन पहले आप एक ही काम कीजिए, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, एग्जाम के पहले
कितना कॉन्सेप्चुअल करोगे आप? नहीं कर सकते कॉन्सेप्चुअल, मतलब क्वेश्चंस कितना करोगे? क्वेश्चंस नहीं करोगे, मतलब ही नहीं है कुछ क्वेश्चंस करने। जो करना है उसके पहले अभी लास्ट दिन पे क्या करोगे? लास्ट दिन पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेफिनेशंस, रेकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल रेकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, सबसिक्वेंट मेजरमेंट, ये चार ही चीजें कीजिए। मैं आपको बता दूं, सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर, सभी रेकग्निशन मेजरमेंट, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया के ऊपर फोल्ड मार के रखिए बुक में, और इमीडिएटली एग्जाम के पहले एक दिन आप वो बस रिवाइज कीजिए, क्योंकि लिखना है आपको। आपने जो प्रैक्टिस करना है कर लिया, कर लेंगे बाय द टाइम योर एग्जामिनेशन डेट इज देयर। 5 जून को आखिरी सवाल करना है, 5 से 5 जून को आपका एग्जाम, चाहे 8 तारीख को हो या 7 तारीख को हो, 4 से 5 तारीख को आखिरी सवाल पेन एंड पेपर से करना है। 8 तारीख को है तो 5 को आखिरी, 7 तारीख को है, 4 तारीख को आप आखिरी क्या करोगे, सवाल करोगे। बाकी 2-3 दिन कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, डेफिनेशंस करोगे, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, क्राइटेरियाज करोगे, और कहीं लगता है कि ये मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा तो क्विकली उसे रिवाइज करोगे। कंसोलिडेशन क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच देखोगे, अब सॉल्व नहीं करोगे, अप्रोच देखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। That will reduce and save your time. तो एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले ये सभी डेफिनेशंस आप कीजिए ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोस कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें पता है, ये इतने बार हमने सभी चैप्टर्स में किया है, तो हम क्या करेंगे वही यूज करेंगे। लेकिन डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन लाइक कैश फ्लोज, द प्राइस ऑफ अ मैच्योर्ड क्रॉप, हाउ विल यू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं किया था, आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं किया था। दिस इज लाइक एनआरवी, दिस इज लाइक एनआरवी, आपको रिलेशन आ जाएगा। एनआरवी आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया था। ईयर एंड डेट को आप किस तरीके से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे? तो यू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इन द मार्केट, मैच्योर्ड क्रॉप, मैच्योर्ड एनिमल, वॉट एवर, मैच्योर्ड क्रॉप इन द मार्केट, इसका प्राइस आप फाइंड आउट करोगे, लेस एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग एंड ग्रोइंग इट एंड टेकिंग इट टू द मार्केट, ये इसमें से रिड्यूस करोगे तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट आ जाएगा इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। एनआरवी भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट की थी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंटरी लेस कॉस्ट टू कंप्लीट दैट इन्वेंटरी, रिमेंबर दिस इन्वेंटरी। ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, आई अंडरस्टैंड आपकी गलती नहीं है वो, बट इसको कई बार ना वी टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स, इसलिए मैंने मेरे पहले से ही आपको कहा था नोट्स बनाइए इनिशियल मेजरमेंट सबसिक्वेंट मेजरमेंट की, ये कॉन्सेप्ट है, ये भूलने नहीं चाहिए। मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट में गलती, कैलकुलेशन में गलती हुई, कॉन्सेप्ट लिख के आए तो मार्क्स जरूर मिलेंगे, आप इस एग्जामिनेशन में फेल नहीं हो सकते, मैं आपको बोलता हूं वो डिफिकल्ट है। फेल हो गया तो उसके लिए इंटेलिजेंस लगता है, तो आई एम जस्ट किडिंग, बट स्टिल अगर आप सच में सोचे तो इतना सिंपल क्यों एग्जामिनेशन है, इसके बारे में बोल रहा हूं। आपको टाइम नहीं है, पढ़ाई नहीं हुई, वो बात अलग है, बट अदरवाइज आप पढ़ाई करोगे तो दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए, सिर्फ कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। आपको ये कॉन्सेप्ट भी लिख के आए आप तो भी मार्क्स मिलते हैं, कैलकुलेशन में गलती हुई तो भी मार्क्स मिलते हैं, कैलकुलेशन में गलती, इट्स लाइक वो कहता है ओपनली एसीसीए दैट एग्जामिनेशन एनवायरमेंट में ये गलतियां होनी जायज है, वी अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इस कैलकुलेशन इस तरीके से होगा तो कहता है ठीक है, पूरे मार्क नहीं जाएंगे, थोड़े ही मार्क जाएंगे, पूरे नहीं जाएंगे, तो ये करके आइए। एटलीस्ट अगर ये हो गया आपसे तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट एटलीस्ट 60 मार्क्स। कैलकुलेशन सब अच्छे तरीके से गए, पूरा पेपर भी सॉल्व हुआ, इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व 90 मार्क्स क्वेश्चन पेपर तो भी आपको कम से कम 60+ मार्क्स मिलेंगे, मैं आज ही बोलता हूं आपको। मैंने खुद 2009 में, मैंने बहुत, मैं पुराने जमाने में ये एग्जामिनेशन दी थी, मैंने 2009 में मैंने ये एग्जामिनेशन दी, 2009, तो 2009 में जब एग्जामिनेशन दी थी तो नया नया था, कोई सिखाता भी नहीं था, IFRS ही किसको नहीं आता था,
इंडिया में एप्लीकेशन होगा ऐसे सोचा जा रहा था तब। तो तब मैंने उस वक्त एग्जाम भी थोड़ा सिंपल सिंपलर था, लेकिन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 40 मार्क के लिया था, वो बहुत टफ था। तो शुरू शुरू के एग्जाम्स थे, इंडिया में कोई देता नहीं था, हमारा सेंटर मुंबई में आता था, पुणे में सेंटर भी नहीं था। ऑनलाइन ऑनलाइन छोड़िए, आप अभी घर से भी दे सकते हैं, तो पुणे में सेंटर कहीं पे भी नहीं था, मुंबई जाना पड़ता था हमें। तो क्वेश्चन पेपर भी अगर सॉल्व जो हुआ है ना, तो मेरा उस वक्त हुआ था लगभग कुछ 80-85 मार्क्स का सॉल्व हुआ था, 80 से 85 मार्क्स का। एंड बिलीव मी, आपका जो नॉलेज आज है उससे कम कम ही मेरा रहेगा। मुझे किसी ने IFRS नहीं सिखाया था, ट्रस्ट मी। किया था एक क्लास, लेकिन मस्ती ज्यादा की थी उसमें उस वक्त। तो उस वक्त भी 71 मार्क्स आए थे। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ दैट यू विल स्कोर 70 मार्क्स। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बोलता हूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपको 100-100 नंबर का मार्क, पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ सर, 95 मार्क्स का, 90 मार्क्स का ही सॉल्व हुआ, कोई प्रॉब्लम। 90 मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, 90 मार्क्स पे में से भी 70 मार्क्स आ सकते हैं, तो वो दिमाग में मत रखिए। लेकिन वेन यू एंटर इन टू एग्जामिनेशन हॉल, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू सॉल्व 100%, ठीक है? ये दिमाग में मत रख के जाइए कि मेरा कुछ सॉल्व कम करूंगा तो भी चलेगा, वो बात की बात है। जैसे होगा, जो सॉल्व करना है वो करेक्ट सॉल्व करना है, जो लिखना है वो ठीक तरह से एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो आपका चाहे पेपर जितना भी सॉल्व हो, आपके नंबर्स 100% आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्क्स कैसे लाने हैं, मैंने आपको ये बताया, आप पढ़ भी सकते हैं उसको। ACCA के पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पढ़िए, एग्जामिनर के रिपोर्ट्स पढ़िए, आई एम सॉरी, एग्जामिनर के रिपोर्ट्स, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एग्जामिनर्स के रिपोर्ट अवेलेबल है। 2 से 3 एग्जामिनर्स के रिपोर्ट पढ़िए, ज्यादा नहीं। कितना टाइम लगेगा आपको, एक एग्जामिनेशन के रिपोर्ट पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। 3 एग्जामिनेशन के रिपोर्ट पढ़िए, तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट बाय ACCA। उसका 75% भी आपने अचीव कर लिया ना, तो भी आपको 70 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं आज। तो व्हाट इज अ की फॉर यू टू डू दैट, कुछ गिनी चुनी चीजें, ये इसके बीच में ही बोल रहा हूं मैं। तो नंबर 1, वो फुल सिलेबस होगा, वो तो हो ही गया होगा आपका, 1 रीडिंग या 1 टाइम लेक्चर आपने देखा ही रहेगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है। ये देखने के बाद आप पहली बात आपके शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे मैंने कहा था, अभी भी टाइम है, टुडे वी आर ऑन 19th ऑफ मे, टाइम कम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फटाफट से इनिशियल रिकग्निशन, सब मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड डेफिनेशंस, ये पॉइंटर्स बनाइए। अगर बनाने खुद नहीं है तो पेजेस फोल्ड कीजिए, अपना Volume 3 एंड Volume 4 इसमें से, हैंडआउट्स का Volume 1, हैंडआउट्स का Volume 2, पेजेस फोल्ड कीजिए, समराइज है वहां पे। नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आज की तारीख, आज के बाद, इट्स 19th मे, आज के बाद 4 से 5 पेपर सॉल्व कीजिए, 4 पेपर कम से कम कीजिए, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन कीजिए, अल्टरनेट डे, 2-2 दिन के बाद कीजिए कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, 1 दिन कीजिए, दूसरे दिन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। कहां पे? ACCA की यूटिलिटी पे जाके कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कैसी यूटिलिटी दिखती है, हाउ टू ऑपरेट दैट, नेविगेशन कैसे करना है, स्क्रीन्स कहां पे रखने हैं, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दैट, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप वो यूटिलाइज नहीं करोगे यूटिलिटी, जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ईज नहीं आएगा आपको। वो एक बार आ गया तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे कि कैसे करना है, क्विकली नेविगेट कैसे करना है, आपके कन्वीनियंस के लिए नेविगेट कैसे करना है। तो क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन ईच डे, नेक्स्ट डे आपका पेपर, ये आप सॉल्व कीजिए अगले 10 दिन तक, एंड समरी जो है, जो आपने पेजेस फोल्ड किए हैं, वो पढ़ते रहिए और लिखते रहिए उसमें, दैट डेफिनेशंस, इनिशियल रिकग्निशन, सब इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कौन सा भी सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के, जो कंसोलिडेशन वाला सवाल है वो छोड़ के, बाकी सब में एक्सप्लेनेशंस लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क के लिए एथिक्स मैंडेटरीली आता है,
चार से पांच एग्जामिनेशन के आंसर्स आपने पढ़ लिए तो एथिक्स का टॉपिक आपका हो गया, पांच पांच मार्क्स के। आपको 2 घंटे देने हैं, ज्यादा नहीं, 2 घंटे ठीक तरह से पढ़े आपने तो एनी टाइप ऑफ एथिकल क्वेश्चन आप उसको रिजोल्व कर पाओगे। पिछले 5 एग्जामिनेशंस के एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। कंसोलिडेशन 25 में से 15 नंबर्स कम से कम मिलेंगे, 20 मार्क्स तो आज के यहां बैठे बैठे हो गए आपके। तो आगे जाके आपको जो कर रहा है वो प्रैक्टिस करके आप 70 तक पहुंच सकते हो आराम से, उतना ध्यान में रखिए बस, ठीक है। दिमाग में ये मत लाइए ये टॉपिक नहीं हुआ, ये ठीक तरह से नहीं हुआ। हमने जैसे क्विकली रन थ्रू किया है वैसे क्विकली रन थ्रू करना आना चाहिए हर टॉपिक का। तो ये हो गया, यहां पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं तो मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट है एंड ये एक इंपॉर्टेंट है, दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट टू सेल में क्या आता है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर्ड इन सेलिंग द एसेट, जिसमें कमीशन टू ब्रोकर्स, डीलर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये कॉस्ट नहीं होती तो ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये वाली कॉस्ट। अकाउंटिंग फॉर गेन्स एंड लॉसेस, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू, यहां पे भी गेन्स एंड लॉसेस होते हैं। कौन से गेन्स एंड लॉसेस? लॉसेस नहीं है एक्चुअली, ये कॉस्ट टू सेल जो है ना ये लॉस है, ये लॉस है मतलब ये कॉस्ट है, तो ये डायरेक्टली पीएनएल में जाता है। लेट्स से फेयर वैल्यू 1200 है एंड कॉस्ट टू सेल जो है ये 100 की है, तो मेरा वैल्यूएशन होगा 1100, ये मेरा पीएनएल में जाएगा, ये मेरा पीएनएल में जाएगा, ठीक है। सो गेन और लॉस फ्रॉम इनिशियल रिकग्निशन और चेंज इन फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंटली इज इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन विच इट अराइजेस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेन और लॉस फ्रॉम इनिशियल रिकग्निशन एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए आता है। तो ये जो दो पॉइंटर्स हमने देखे थे, ये पॉइंट ऑफ सेल मतलब ये पॉइंट ऑफ सेल है, प्राइस ऑफ अ मैच्योर्ड क्रॉप लेस एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस मैच्योर्ड क्रॉप, दिस इज अ पॉइंट ऑफ सेल। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो इज इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन विच इट अराइजेस। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक आंसर दिया है यहां पर, आपको कुछ डिटरमाइन नहीं करना, पढ़ना है बस। एबीसी कंपनी परचेस 200 कैटल्स एट एन ऑक्शन फॉर USD 200,000 ऑन 30th जून 2013, द ऑक्शनियर्स फी अमाउंटेड टू 1% ऑफ द सेल प्राइस। तो इसका 1% मतलब 2,000, सो 1,98,000 इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियल मेजरमेंट विल बी 198 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एवरीबडी इज विथ मी? 2000 वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैटल्स फेयर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम $200,000 टू 2,20,000, $220,000 ऑन 31st जनवरी 2014, 6 महीने के बाद। एट दिस स्टेज कैटल वुड बी मेजर्ड एट 220 माइनस 1%, सो इसका 1% इज 2,200, मतलब दैट इज 2,17,800, 2,20,000 माइनस 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो दिस गेन ऑफ 19,800 वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा कैसा गेन है ये? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस 198 एंड 217,800, इसके बीच का डिफरेंस है 19,800, इट विल बी अकाउंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एज अ गेन। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स, अनकंडीशनल ग्रांट अगर है तो ग्रांट रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एसेट्स इट विल बी रिकॉग्नाइज एज इनकम व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। ये रिसीवेबल हो जाएगी तब इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम। पीरियड कौन सा है, कितनी देर तक उसको रिकॉग्नाइज करना है, ये कोई बात यहां पे दी नहीं है। कंडीशनल ग्रांट्स है, ग्रांट्स रिलेटिंग टू द एसेट्स
आर रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम व्हेन द कंडीशंस आर मेट और ओवर द पीरियड ओवर विच द कंडीशंस विल बी मेट। तो ये ओवर द पीरियड जाता है जिसके ऊपर ये कंडीशन सब मीट करेंगे। लगभग सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी एज सच यहां पे नहीं है। जो IS-20 में हमने देखे थे लगभग सिमिलर प्रिंसिपल्स है। इफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेट्स टू बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देन इट्स ग्रांट विल बी अकाउंटेड एज पर IS-20। वो नेट प्रेजेंटेशन, ग्रॉस प्रेजेंटेशन, ऐसी कोई बात IS-20 में जो की है वो IS-41 की ग्रांट्स में नहीं की। ठीक है, दिस इज द टॉपिक बायोलॉजिकल एसेट्स। 45 मिनट्स वी टुक अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड मान लीजिए 5 मिनट का एक एग्जामिनेशन रिलेटेड डिस्कशन बीच में हुआ, तो अप्रॉक्सिमेटली 40 to 42 मिनट्स में ये टॉपिक हुआ है। तो इसी तरह का ब्रशअप आप सभी टॉपिक्स का कीजिए। हमने जितना टाइम दिया है उतना भी नहीं लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्विकली कॉन्सेप्ट रिकैप करना है। इफ यू थिंक कि लिखूंगा कैसे मैं, हाउ विल आई राइट दिस, तो क्विकली लिख के देखिए, अपने आप शॉर्ट में लिख के देखिए। कहीं दिखाना नहीं है आपको, प्रेजेंट थोड़ी ना करना है, आपका रिकॉल करना है, तो लिख के देखिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कभी भी पढ़ के नहीं की जाती। सो अब तक काफी आपने किया है, आपके सवाल से समझता है कि आपने सॉल्व किए हैं, पढ़िए मत। क्वेश्चंस पढ़ना सही नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ के लगता है कि हमें आ गया सब, बट होता है कि वो चीजें मिस आउट हो जाती है हमसे, तो वो पढ़ना ठीक नहीं है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन वी विल टेक अ ब्रेक एंड उसको 10 मिनट के बाद हम वापस आएंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। अभी हम चालू करेंगे EPS, देन इनकम टैक्सेस, देन कंसोलिडेशन। EPS करेंगे और फिर कंसोलिडेशन करेंगे। ठीक है, राइट। ओके।